सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ, और आप इस टाइप का फोटो एडिट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप मिस कर दिए तो कुछ आप सीख नहीं पाओगे, सच बोल रहा हूँ गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और हाँ गाइस, अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले दम पहुँचे, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, लेट्स गो। तो फ्रेंड चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ, पिक्सआर्ट आउट कर लेते हैं ऑन। पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको चले जाएँ अपनी फोटो में। फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में आ जानी है। अपनी फाइल में आने के बाद ये वाली को सेलेक्ट कर लेनी है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो करने क्या है, सबसे पहले आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको करना है अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड। तो अपनी फोटो को ऐड कर लेते हैं, दोनों फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा जो फोटो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो सबसे पहले दोनों फोटो को मैं सेट करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये वाली फोटो को मैं साइज में डालूंगा, ठीक है। कुछ अच्छे से यहाँ पे सेट करना, पहले तो आपको ऐसे कुछ फोटो को क्लिक करवा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थोड़ा अच्छे से सेट। तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से सेट हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद अपनी फोटो को क्रॉप कर लेनी है। तो हमारा फोटो जो है क्रॉप हो चुका है, तो वैसे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है अभी। तो वैसे देख सकते हो हम जो फोटो अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो वैसे देखो यहाँ पे मेरे जो हेयर स्टाइल है मैं खुद से बनाया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हो तो आप जाकर गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो हेयर स्टाइल PNG। आपको बहुत सारा PNG हेयर स्टाइल मिल सकता है। आपको जो सेट लग रहा है कि हमारे जो हेड में सेट हो सकता है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके हेड में लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैंने बनाया है, और ऐसे आप जानते हो कैसे बनता है, तो आप यहाँ पे जानते ही हो कैसे बनाना है। तो वैसे चलते हैं आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फिर जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है, आपको एक लाइट है, लाइट का मैं दे दूंगा लिंक, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो ये लाइट है, दोनों लाइट का मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ये लाइट को मैं यहाँ पे सेट करूँगा, थोड़ा साइज को बहुत छोटा कर दूँगा, कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। और ये लाइट को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। उसके क्या करना है, आपको जाना ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेनी है स्क्रीन। तो गाइस आप देख सकते हो थोड़ा मैं इसको साइज को बड़ा कर दूँगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया सारा काम। और क्या करना है, कुछ कलर सेटिंग करना है। कलर सेटिंग करने के लिए कहाँ जाना है, लाइट रूम की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में जाने से पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट पे क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। सेव करने के बाद चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो वैसे लाइट रूम मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ से फोटो को ऐड करनी है। ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको जाना जो फोटो एडिट किया है आपने, जो सेट किया है उसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हूँ। तो ऐड करने के बाद अपने फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कलर सेटिंग कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले आपको लाइट पे क्लिक करना है। लाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट को कम कर देनी है, और थोड़ा साइडों को यहाँ पे आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट बैलेंस को यहाँ पे आप कम कर लेना। तो यहाँ पे व्हाइट बैलेंस हल्का मैं कम कर दूँगा, थोड़ा ब्लैक को मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देनी है। उसके क्या करना है, आपको जाना इस कलर पे। कलर पे जाने के बाद मिक्स पे जाना है, और मिक्स पे जाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे यू को थोड़ा सा आप यहाँ पे बढ़ा देना, ठीक है। उसके क्या करना है, थोड़ा सैचुरेशन को आप यहाँ पे कम ही रखना, ठीक है। उसके क्या करना है, लुमिनेंस को, ठीक है। लुमिनेंस को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा ज़्यादा। तो कुछ आप यहाँ पे कलर सेटिंग करना है अपने फोटो के हिसाब से, यहाँ पे कलर सेटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने फोटो के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे ब्लू टोन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा यहाँ पे यू को यहाँ पे देख सकते हो, कम बेसी कर सकते हो। तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा कम। अब कम करने में थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे आपको बढ़ा देनी है थोड़ा, ठीक है। थोड़ा लुमिनेंस को आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बढ़ा देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा आपको यू को थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख सकते हो, यू को भी छोड़ना नहीं। तो वैसे थोड़ा यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर लूँगा, और कम करने के बाद थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, लुमिनेंस को आपको थोड़ा बढ़ा देनी है, ठीक है। तो मैं हल्का लुमिनेंस को बढ़ा दिया हूँ, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है कुछ इस तरीके से। उसके क्या करना है, आपको जाना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देनी है, ठीक है। थोड़ा फोटो को चमक आ जाएगी। उसके क्या करना है, थोड़ा वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ। और कम करने के बाद क्या करना है, आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है। शार्पनेस बढ़ाने के बाद क्या करना है, थोड़ा लुमिनेंस फेस स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पे लुमिनेंस को बढ़ा लेनी है। नॉइस, सॉरी लुमिनेंस बोल रहे हैं, सॉरी गाइस, यहाँ पे नॉइस को बढ़ा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे कलर नॉइस को भी बढ़ा लेनी है, ठीक है।
यहाँ पे जो कलर नॉइज़ का मतलब क्या होता है, अगर आप कलर करते हो या कलर में कुछ प्रॉब्लम फटाफट सा हो जाता है तो आपको यहाँ पे कलर स्मूथ करने के लिए यहाँ पे कलर नॉइज़ पे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, और फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ नॉइज़ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा काम है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और क्या कहना, आप यहाँ पे फोटो को सेव कर लेते हैं, उसके बाद तो कुछ प्रीसेट है, प्रीसेट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको तीन डॉट सबसे पहले फोटो को सेव कर लेनी है, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके और यहाँ पे कर लेनी है, ओके। तो हमारा जो फोटो है सेव हो रहा है और सेव होने के बाद यहाँ प्रीसेट का काम करने वाला, तो बस हमारा जो फोटो है सेव हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद थोड़ा मैं बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद क्या करना है गाइस, आपको ये वाली फोटो को डिलीट कर देनी है, ठीक है। और डिलीट करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से वो फोटो को ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो मैं फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड करने के बाद गाइस क्या करना है, थोड़ा ऐड होने दो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐड। तो गाइस हमारा जो फोटो है ऐड हो चुका है, तो ऐड आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये वाली प्रीसेट को ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद क्या करना है, आपको तीन डॉट पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके कॉपी कर लेना, यहाँ से कर लेना ओके। तो फिर हो गया कॉपी, इसमें मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद अपनी फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे जो देख सकते हो गाइस हमारा फोटो ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीसेट को पेस्ट करना है, तो यहाँ पर तीन डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से कर लेनी है पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, लिखा ना पेस्ट सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो है फोटो यहाँ पे थोड़ा अभी धुंधा दिख रहा था, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गया। तो अभी कुछ कलर सेटिंग करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइट को यहाँ बढ़ा लूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेनी है, ठीक है। उसके क्या करना है, आपको इस पर जाना है और मिक्स पे क्लिक करना है, थोड़ा ऑरेंज क्लिक पे आपको थोड़ा लुमिनस को आपको बढ़ा लेनी है। थोड़ा देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। उसके क्या करना है गाइस, यहाँ पे डन कर लेते हैं। डन करने के बाद क्या करना है, आपको इस पर जाना है, उस पर जाने के बाद थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है, थोड़ा सा इसको मैं डार्कनेस कर लूँगा, ठीक है, डार्कनेस को थोड़ा बढ़ा लूँगा। तो हमारा जो फोटो है यहाँ पे अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल बेस्ट हो चुका है। सॉरी गाइस, मेरा जो फोन है थोड़ा लाइट थोड़ी बढ़ता कभी कम हो रहा है, तो उसके कारण थोड़ा यह प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो गाइस माफ करना थोड़ा, तब देख सकते हो यहाँ पे रियल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है। तो गाइस हमारा जो फोटो सेव हो रहा है, तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही घंटे को प्रेस करना, ताकि मुझे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।